हाय दोस्तों मेरा नाम सोफिया फ्रांसिस है और आज मैं आपको बताऊंगी कि सबसे सही तरीका क्या है इंटरव्यू देने का जब कभी भी हम इंटरव्यू का नाम सुनते हैं तो हम सभी जो सारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं इवन ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है जब मैं इंटरव्यू पर जाती थी तो ऑटोमेटिकली बहुत डर जाती थी लेकिन ग्रेजुअली जब मैंने इंटरव्यूज फेस फेस किए उसके बाद मुझे पता लगा कि इंटरव्यू किस तरीके से सही तरीका क्या है और अगर मैं रिजेक्ट हो रही हूँ तो किस वजह से मेरी मैं, रि, मैं रिजेक्ट हुई हूँ सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आपने क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना है जब आप इंटरव्यू पे जाते हैं सबसे पहले जो बात बात आती है वो आती है लुक्स की चाहे वो बॉयज़ हो या फिर गर्ल्स हो लुक्स आपने बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा सोबर रखना है सोबर यानी कि बिल्कुल सादा बिल्कुल गॉडी कपड़े नहीं पहनने हैं आपने जब आप इंटरव्यू पर जाते हो स्पेशली बॉयज़ के लिए मैं पहले बताना चाहती हूँ कि आप लोगों ने सिर्फ फॉर्मल्स ही पहनना है फॉर्मल का मतलब होता है जो चीज़ आप ऑफिस में पहन सकते हैं जो चीज़ जब आप ऑफिशियल मीटिंग्स पे जाते हैं जो तब जब हम जो कपड़े पहनते हैं उनको हम फॉर्मल्स कहते हैं तो फॉर्मल्स में आता है ब्लैक ट्राउज़र एंड अ वेरी लाइट शर्ट कोई भी हल्के रंग का शर्ट आप पहन सकते हैं कोशिश करना कि आप ज़्यादा गाढ़ा रंग ना चुने अगर आप चुन लेते हैं So, उसे ना पहने कोई भी वाइट कलर और कोई भी हल्के रंग के कपड़े को कोशिश करिएगा पहने अगर उसमें स्ट्राइप्स हैं चेक्स हैं दैट डजेंट मैटर लेकिन कलर जो है थोड़ा सा सोबर ही रखना है आपने और और जब मैंने पैंट की भी जब बात करी थी कि आपने पैंट्स जो हैं ब्लैक ही पहनना है ब्राउन भी हालांकि फॉर्मल्स में ही आता है लेकिन कोशिश करिएगा कि ब्लैक के साथ क्योंकि ब्लैक के साथ हर एक कलर जचता है तो इसलिए कोशिश करिएगा कि ब्लैक ही पैंट पहने एंड जब हम फुटवेयर की बात करते हैं फुटवेयर का मतलब होता है जूते क्या पहने तो अब जब जूते की बात होती है तो आप स्लीपर्स में या फिर यू नो स्लीपर्स या फिर कोई और चीज़ ना पहने फुटवेयर जब आते हैं सिर्फ फॉर्मल शूज़ ही पहने यानी कि ब्लैक शूज़ वो भी प्रॉपरली पॉलिश आपने पॉलिश पहनना है कोशिश करिएगा कि पॉलिश पहने और पॉलिश शू पहने एट द सेम टाइम आयरन क्लोथ्स अपनी कपड़ों को अच्छे से इस्तरी करके पहनीएगा ऐसे यहाँ श्रिंक हो रहा है वहाँ श्रिंक हो रहा है या यहाँ कहीं दाग लगा हुआ है नो नॉट लाइक दैट सो ट्राई टू वेयर योर क्लोथ्स आयरन एंड वेन इट कम्स टू हेयर डो हेयर डो जब हम कहते हैं यानी कि आप अपना हेयर स्टाइल कैसे बनाएंगे हेयर स्टाइल कोशिश करिएगा कि सिंपल्स बन के जाएँगे इसमें कोई ऑयलिंग मत करिएगा इसमें किसी भी तरीके का जेल वेल लगा के कुछ करने की जरूरत नहीं है नेचुरल जैसा है आप देखते हैं उसी तरीके से जाइएगा जब आप इंटरव्यू जाते हैं और सबसे जरूरी चीज अगर आपका इंटरव्यू दस बजे का है तो कोशिश करिए कि यू साढ़े नौ बजे पहुंच जाए या फिर दस पंद्रह मिनट पहले पहुंच जाए इंटरव्यू से क्योंकि काफी बार ये ऐसा होता है कि हम हरबड़ी में लाखी मोमेंट में जाते हैं और एकदम पतीनों में थर रो के आप इंटरव्यूअर के सामने जा रहे हैं तो इन सब चीजों को आप इग्नोर करिएगा अवॉइड करिएगा और जितना हो सके जितना हो सके आराम से तैयार होइएगा एंड टाइम पे टाइम से 10-15 मिनट पहले पहुंचने की कोशिश करिएगा और इसके बाद आते हैं गर्ल्स पे अब गर्ल्स के लिए तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि गर्ल्स को थोड़ा बहुत अपना ग्रूमिंग का भी ध्यान रखना पड़ता है तो मेकअप भी करना पड़ता है जब मेकअप की बात आती है तो आपने ये कोशिश करना है कि आपको हल्का मेकअप करना है ऑफ कोर्स अगर आपका आपको काजल लगाने की आदत है तो आप काजल लगा सकते हैं आप लाइट uh, लाइक like, एकदम सोबर सा मेकअप कर सकते हैं न्यूड मेकअप आजकल बहुत चल रहा है तो आप न्यूड मेकअप भी कर सकती हैं और लिपस्टिक आप जो आपको अच्छा लगे लाइट कलर्स में लिपस्टिक लगाइएगा कोई भी हैवी ईयरिंग्स नहीं पहननी है जिसमें स्टड लगा हो इवन बॉयज़ जैसे आज मैंने ये अंगूठी पहन रखी है इसमें एक यू नो देर इज़ अ स्टोन सो ये पत्थर वाले अंगूठी नहीं पहननी है क्योंकि जब आप बात करेंगे तो ये रिफ़्लेक्ट करता है जो दूसरा हमारे ऑपोजिट में जो बैठे हैं तो इट अगेन डिस्टर्ब करता है जब कभी रोशनी पड़ती है तो ये कभी कभी डिस्टर्ब करता है तो ये चीज़ें आप नहीं करेंगे कोई भी रिंग्स ज़्यादा ना पहने क्योंकि लड़कियों की आदत होती है अगर वो रिंग पहनती है तो उनके साथ ऐसे करके उसको खेलती रहती हैं इवन लड़के भी मैंने देखे हैं कुछ ऐसे करते हैं खास कर जब आप नर्वस होते हैं सो so, इन चीज़ों को आप अवॉइड करेंगे लड़कियों ने बाल बहुत नॉर्मल हेयर स्टाइल बनाना है अगर ओपन हेयर रखा है बाल खुले रखे हैं तो कोशिश करिएगा आप बार बार टच नहीं कर रहे हैं बार बार उसको ठीक नहीं कर रहे हैं एज इट इज़ छोड़ दीजिए और जैसे कि मैंने कहा टाइम से पहले जाना है लाइट मेकअप करना है और कोई भी सिंपल कुर्ती आप पहन के जा सकती हैं जीन्स टी शर्ट एज़ पर द जॉब जॉब के अकॉर्डिंग आप जीन्स पहन सकती हैं लेकिन जीन्स फॉर्मल uh, में नहीं आता है तो कोशिश करिएगा कि आप सूट पहने और सूट नहीं तो कोई भी फॉर्मल जैसे कि मैंने बॉयज़ के लिए कहा था आप ब्लैक uh, पैंट पहन सकते हैं और कोई भी फॉर्मल शर्ट इवन लड़कियां भी शर्ट्स पहन सकती है फॉर्मल्स अगेन टी शर्ट नहीं चलेगा फॉर्मल पैंट पहनी है आपने और उसके साथ टी शर्ट पहनी है नो दैट्स रॉन्ग अगर आपको ट्राउजर्स पहनने हैं फॉर्मल पहनना है तो फॉर्मल लाइट uh, शर्ट जैसे मैंने बॉयज़ के लिए कहा था सेम वैसा ही और ब्लैक ट्राउजर्स एंड अगर ये दोनों चीज़ें नहीं करनी है अगर आपने इंडियन वेयर पहनना है एथनिक आजकल काफ़ी ऑफिस में इंडियन वेयर्स भी अलाउड है इंडियन वेयर्स ही पहनते हैं तो आप कोई भी अच्छा सा आ, कुर्ता सेट पहन सकते हैं या फिर कोई भी सूट चुड़ीदार सलवार कमीज़ पहन सकते हैं कोई भी बट इट शुड बी आयरन अच्छे से पूरी तरीके से प्रॉपर एकदम नीट लगना चाहिए आपका लुक कि आपके लुक से ही पहला इम्प्रेशन आएगा सो आपने बहुत अच्छा दिखना है जब आप इंटरव्यू पे जाएंगे और कोशिश करिएगा टाइम पे पहुँचे इनफैक्ट टाइम से पहले पहुँचे पाँच दस मिनट ताकि आपको थोड़ी सी सांस लेने की फुर्सत मिले और उसके बाद आप इंटरव्यू पे जाएं इसके बाद आता है आपका इंट्रोडक्शन जो कि हंड्रेड परसेंट मार्क्स आपको आपके इंट्रोडक्शन के ही मिलते हैं क्योंकि इंट्रोडक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी अपनी है जो कि आपकी खुद की है उसमें कोई चेंज नहीं है अब आप इंट्रोडक्शन किसी भी तरीके से पूछा जाए आपने उसमें कोई बदलाव नहीं करना है आपको एज इट इज़ कहना है क्योंकि आपकी पढ़ा आपकी पढ़ाई में या आपके पेरेंट्स के बारे में जब आप बताते हैं आपके माता पिता पिता के बारे में आप बताते हैं उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है तो ये एक ऐसी चीज़ होती है जो आपकी खुद की है जो आपकी अपनी है तो जब आप इन चीज़ों के बारे में बताएंगे तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है कोशिश करिएगा हमेशा अपना इंट्रोडक्शन तैयार करके जाएँ और इंट्रोडक्शन अपना अच्छे से अच्छा शॉर्ट जितना हो सके उतना देना है बहुत लेंदी इंट्रोडक्शन आप अवॉइड करिएगा क्योंकि काफ़ी बार इंटरव्यूअर बोर हो जाते हैं अगर आपसे इंट्रोडक्शन पूछा जाता है कई लोग बहुत लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं तो भी इंटरव्यूअर जो होता है यहाँ वहाँ देखने लग जाता है और आपके साथ आई कॉन्टैक्ट नहीं करता सो so, इन जब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है और कोशिश करिएगा जितनी बार आपको सवाल पूछा जाता है आप इंटरव्यूअर के साथ सीधा देख के बात कर रहे हैं ना कि इधर उधर आई कांटेक्ट अब अब आप देखिए अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ और मैं अगर यहाँ देखती हूँ या मैं ऊपर देखती हूँ सो बह, बहुत ही अजीब लगता है सो आई कांटेक्ट जब आप हम किसी के साथ बनाते हैं ये शो करता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं सो इन इस चीज़ का आप ख़ास ध्यान रखिएगा कि आपको अपने आई कांटेक्ट मेंटेन करना है अगर तो कोई एक इंटरव्यूअर है तो आपने एक ही के साथ आई कांटेक्ट रखना है और अगर या फिर दो हैं तीन हैं काफ़ी बार दो तीन लोग भी होते हैं इंटरव्यू करने के तो आपने सबके साथ आई कांटेक्ट बनाना है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ इंट्रोडक्शन से भी पहले जो जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये कि जब आप इंटरव्यू हॉल के अंदर एंटर करते हैं जो जिस जिस तरीके से आप एंटर करेंगे वो बहुत मायने रखता है जैसे कि आप एंटर कर रहे हैं और समझ लीजिए कि केबिन जो है क्लोज है केबिन बंद है आपको बताया जाता है रिसेप्शन पे अगर बताते हैं कि आपने धीरे जा लेफ़्ट लेना है और आप अंदर जाते हैं और आप देखते हैं कि दरवाज़ा बंद है तब आपको क्या करना है आपने दरवाज़ा नॉक करना है आप दरवाज़ा बैंग नहीं करेंगे धड़ 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 नहीं पीटेंगे यूजअली जो कि हम करते हैं तो आपने अपने इन उंगलियों के साथ इन दो खास करके इन दो उंगलियों को यूज़ करना है और बहुत हल्के से टैप करना है बहुत ही हल्के से ऑटोमेटिकली आपको आवाज़ आएगी कि कम इन कौन है या कम इन साइड ये बोलेंगे तो आपने बहुत लाइट वे से उसको पुश करना है दरवाज़ा खोलना है और अंदर जाके खड़े हो जाना है और जो सबसे पहली चीज़ आपने करनी है वो है कि इंटरव्यू को आपने विश करना है यानी कि उनको गुड मॉर्निंग कहना है अगर तो मॉर्निंग है और अगर आफ्टरनून आवर्स है तो गुड आफ्टरनून सर बोलना है सर और मैम इन दोनों चीज़ों को आपने हंड्रेड परसेंट कहना है क्योंकि जब हमारे घर में भी कोई मेहमान आते हैं तो सबसे पहले हमको मा, हमारे माता पिता ने यही सिखाया है कि कोई भी जब हमारे घर आता है या किसी को भी हम जब मिलते हैं तो हम नमस्ते कहते हैं सो इन इंग्लिश वी हैव टू से वी हम जब इंटरव्यू पर जाते हैं तो हमें गुड आफ्टरनून सर गुड मॉर्निंग सर एंड विद अ स्माइल कोशिश करिएगा बीच बीच में स्माइल करते रहिएगा स्माइल करना मत भूलिएगा सो गुड मॉर्निंग सर गुड आफ्टरनून मैम गुड आफ्टरनून सर बहुत ही तहजीब के साथ और जाते बराबर गुड विश करने के बाद एकदम से चेयर खींच के आपने नहीं बैठना है वेट करिएगा ऑटोमेटिकली इंटरव्यूअर आपको ये बोलेंगे कि हैव अ सीट जब आपको कहा जाएगा हैव अ सीट तो आपने चेयर को ड्रैग नहीं करना है आपने हल्का सा उसको उठाना है और बैठना है बैठने में भी, भी कोई हरी भरी नहीं करना है और कोशिश करिएगा कि फ्रंट पे एकदम टिप पे ना बैठे कोशिश करिएगा कि टिप पे ना बैठे थोड़ा सा कॉन्फिडेंट क्योंकि जब आप बैठते हैं बॉडी लैंग्वेज आपने बहुत कॉन्फिडेंस रख दिखाना है आपने अपना बॉडी लैंग्वेज यू हैव टू शो इट वेरी कॉन्फिडेंटली और आपका कॉन्फिडेंस आप जिस तरीके से अंदर जाएंगे दरवाज़ा खोल के अंदर जाए जाते हैं और बैठते हैं उसमें ही पता चल जाएगा और जब आप हम बैठते हैं बैठेंगे तो अपनी रीढ़ की जो हड्डी है जिसको हम इंग्लिश में स्पाइनल कहते हैं उसको आपने स्ट्रेट रखना है और पैर जो है फुली क्लोज पैरों को हमने क्लोज रखना है ओपन करके नहीं रखना है क्रॉस लेग यानी कि एक पैर के ऊपर एक पैर डाल के नहीं बैठना है इट शोज़ दैट आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हैं सो ये ये सारी बॉडी लैंग्वेज आपने ध्यान में रखना है तो आपको बहुत हल्के तरीके से बैठना है और ज़्यादा ड्रैग नहीं करना है बैठने के बाद आपने एक स्माइल देना है थैंक यू सर उसके बाद उनको थैंक यू भी कहना है थैंक यू सर एंड यू हैव टू सिट और जब आप उसके बाद अपना रेज्यूम जिसको हम आजकल सी बोलते हैं करिकुलम वाइटा उसको ऑफर करना है सर को और अपने लेफ्ट हैंड से नहीं देंगे आपको राइट right हैंड से ही देना है दिस इज माई सी सर ये मेरा सी है ये बोलते हुए आपने सर को थी वी पकड़ाना है और जैसे ही सर ने आपका सी वी देख लिया द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ तो जब ये सवाल आता है यानी कि आपको अपने बारे में बताना है और इस सवाल से पहले अगर उन्होंने आपका नाम पढ़ लिया अगर इंटरव्यूअर ने आपका नाम पढ़ लिया जैसे मेरा नाम सोफिया है और मुझे इंटरव्यूअर पर यह बोलते हैं सोफिया टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ सो उन्होंने ऑलरेडी मेरा नाम ले दिया है सोफिया सो so, मैं दोबारा से अपने नाम नहीं बताऊंगी कि मेरा हाय सर माय नेम इज सोफिया एंड आई एम फ्रॉम नो दैट इज रॉन्ग एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली आपको अपने इंट्रोडक्शन के बारे में जब आप स्टार्ट करोगे कभी भी आप माई सेल्फ से स्टार्ट नहीं करोगे यानी कि आई एम सोफिया फ्रांसिस और माई नेम इज़ सोफिया ये दो ही तरीके सही हैं जब हम इंटरव्यू देते हैं राइट right? सो so इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कैचअप करेंगे बाय टेक केयर